बच्चे इस तरीके से लटक भी रहे, खतरनाक काम नहीं करो बेटे, खतरनाक है ये। ये देख सकते हैं काफी खतरनाक सिचुएशन है इस वक्त। ये देख सकते हैं दर्जनों की तादाद में बच्चे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची में मूनसून की बारिशों का आगाज हो चुका है माशाल्लाह। आज सुबह से कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही थी। नीपा ब्रिज के करीब की सूरतहाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ये भाई साहब बाइक को धक्का लगा रहे, आगे ज्यादा पानी है क्या भाई? आगे ज्यादा है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कराची के शहरियों को दोस्तों। साइड हो जाओ बेटे, गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ। ये वीगो वाले काफी तेजी से निकल रहे हैं यहाँ से, जिसके वजह से पानी का छीटा भी आ गया यार। बेटा ये पानी में नहाओ नहीं यार, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, गंदा पानी है यार। बारिश का पानी है लेकिन बेटा फिर भी खतरनाक पानी है, गंदा पानी है ये। तो आप लोग थोड़ा साइड होके नहाओ, गाड़ियाँ आ रही है तेजी के साथ। आप लोग बच्चों को, बेटा बच्चों को बोलो साइड हो जाए। और ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल भी है, लोग गाड़ी भी यहाँ से ट्रैफिक भी गुजर रही है, बच्चे नहा भी रहे हैं। बेटा ये देखें, ये बच्चे इस तरीके से लटक भी रहे, खतरनाक काम नहीं करो बेटे, खतरनाक है ये। शरारती बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और गाड़ी वाले, क्योंकि गाड़ी बंद होने का इशू होता है तो वो तेजी के साथ गाड़ी गुजार रहे हैं। ये देख सकते हैं काफी खतरनाक सिचुएशन है इस वक्त। ये देख सकते हैं दर्जनों की तादाद में बच्चे यहाँ पे। ये देखिए, अल्लाह ना करे किसी किस्म के यहाँ पे हादसे भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी बंद होने का खतरा होता है ज्यादा पानी में। तो इसके ड्राइवर हजरात गाड़ी को काफी स्पीड के साथ लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, खतरनाक। बेटा खुदा के लिए सारे बच्चों को साइड में करो, गाड़ी वाले तेजी से गुजरेंगे यहाँ से। जाओ बच्चों को बोलो साइड हो जा, साइड होके ना। ये बच्चे निकल रहे, अरे यार किधर जा गया भाई? सारे बच्चों को बोलो साइड में होके ना, खुदा के लिए, गाड़ी तेजी से गुजरेगी ना, खतरा हो सकता है। सारे बच्चों को, कोई समझदार कौन है आप में? तो आप बच्चों को साइड करो बेटा, अल्लाह ना करे कोई गाड़ी वाला मार दे फिर। बच्चों को साइड करो खुदा के लिए। तो ज़्यादा पानी होने की वजह से यहाँ पे गाड़ी देख सकते स्पीड के साथ लेके गुजर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। और अभी कोई जिम्मेदारी यहाँ पे किसी की नहीं है यार, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इन बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे और गाड़ी वाले यहाँ से, क्योंकि गाड़ी बंद होने का इशू होता है तो इस वजह से ये तेज़ी से गाड़ी गुजार रहे हैं और ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त पानी का और मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए काफ़ी प्रेशर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं इस फुटपाथ से टकराते हुए पानी का प्रेशर का अंदाज़ा कर सकते हैं आप दोस्तों, किस प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। और मुझे बड़ा तशवीश लाग है कि यहाँ पे बच्चे दर्जनों की तादाद में जो इस पानी में नहा रहे हैं और यहाँ से। बेटा आप एक काम करो, ये जो बच्चे नहा रहे हैं ना, जानते हो नहीं लोगों को, तो ये गाड़ी यहाँ से तेज़ी से गुजर रही है, कोई हादसा ना हो जाए, बच्चे को साइड करो खुदा के लिए। ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे देख सकते हैं आप और मैं काफ़ी तशवीश मुझे लाग है कि क्योंकि गाड़ी बंद होने का चांसेस होता है तो ड्राइवर हजरात तेज़ी से कोशिश करते हैं कि एक्सीलेटर पे पैर रख के तेज़ी से डीप, यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ से गाड़ी को गुजारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे नन्हे नन्हे मासूम ना समझ बच्चे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत भी फरमाए। मासूम बच्चे हैं ये, इनके पेरेंट की जिम्मेदारी है कि इनको कंट्रोल करें, संभालें। लेकिन बहरहाल ये एक सिस्टम है यहाँ पर, इसी तरीके से बच्चे नहा रहे होते हैं मुख्तलिफ पॉइंट पर। तो गाड़ी वालों को भी चाहिए अगर मेरे ब्लॉग के थ्रू अगर इन तक मैसेज जाए तो ये ऐसी जगहों पे बहुत एहतियात के दामन हाथ से ना छोड़ें, बेशक गाड़ी बंद हो जाए, अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो सके। तो दोस्तों ये सूरत हाल है, आगे हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक जैम की वजह से फंसी हुई है। सैकड़ों गाड़ियाँ, मैं कह सकता हूँ हज़ारों की तादाद में पीछे धरते निगाह, क्लोजअप करके देखा और हद निगाह ट्रैफिक जैम है।
ये देखिए आप, निपा का ये ब्रिज जिसके नीचे की सुरक्षा आपके साथ चेक हो। ये देखे ये गाड़ी वाले स्पीड में आ रहे हैं और बच्चे इसके सामने आ रहे हैं, या अल्लाह खैर। यार ये खतरनाक सिचुएशन लग रहा है, अल्लाह पाक रहम फरमाना मौला मेरे। यार ये बच्चों को, यार आप थोड़े बड़े हो ना, आप समझदार हो, जाके बच्चों को बोलो शायद हो जाए, क्योंकि गाड़ी वाले तेजी से गुजर रही है ना, जाके बोलो उधर प्लीज आगे जाओ, बच्चों को सैड करो, बेटे सैड करो, समझाओ। अल्लाह अकबर। ये देखे ये बच्चा गाड़ी तेजी से गुजर रही है, बच्चे गाड़ी के पीछे भाग भी रहे हैं। अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, खतरनाक सिचुएशन भी हो सकता है। कराची जैसे मेगा सिटी, हल्की सी बारिश में कह सकता हूँ, बारिश के बाद की सूरत हाल, निकासी आपका निजाम बिल्कुल गरम भरम हो चुका है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर। ये देखिए अल्लाह ना करे, ओ कहते अल्लाह पाक रहम फरमाए इन बच्चों के ऊपर। तो दोस्तों ये यार, ये आप लोग खुदा के लिए शहर में रहो यार, गाड़ी के नीचे कोई आ जाएगा। तो दोस्तों ये सूरत हाल है कराची जैसी मेगा सिटी की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम चौक हो चुका है, देख सकते हैं हल्की सी बारिश के बाद। निपा जैसा गुलशन का ये इलाका, निपा ब्रिज के करीब की सूरत हाल ये देखो। अल्लाह बेटा क्या कर रहे, गाड़ी के नीचे आएगा। बहुत डेंजर सिचुएशन है दोस्तों। तो ये भी माशाल्लाह डीएमसी के लोग आ गए यहाँ पे, जो पानी जमा हुआ है इसे क्लियर करने के लिए। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि ये लोग आ गए, काफ़ी तशवीश की सूरत हाल हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि यहाँ पे नहा रहे हैं और किसी किस्म का अल्लाह ना करे, और ये गाड़ियों के पीछे भी भाग रहे थे। तो बहरहाल ये डीएमसी ईस्ट के यहाँ पे लोग आ चुके हैं और इस पानी को क्लियर करने के लिए उन्होंने वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है ये लोग आ गए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। ये खुशगवार एहसास हुआ है मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी फिक्र लागू हो रही थी, अगर इसी तरीके से पानी जमा रहेगा तो ये बच्चे यहाँ पे नहाते रहेंगे, और काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी दोस्तों। तो बहरहाल अभी मुतलका जिम्मेदार यहाँ पे आ चुके हैं इलाके के, जो भी इदारे जो जिम्मेदार है डीएमसी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। तो मुझे काफ़ी इत्मीनान हो गया। तो अब दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़ो नासिर।